अरे ओनी पोकले निकू का नाम क्या है? निकू का नाम बोल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हो चुकी है मेरी शुरुआत और यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ मैं समोसा। समोसे के लिए मैंने मैदा लिया, मैदे में मैंने अजवाइन डाला, थोड़ा जीरा डाला, हींग डाला, नमक डाला, तेल डाला मोइन के लिए, तो तेल थोड़ा अच्छा डालना पड़ता है। और यहीं पे मेरे आलू भी बॉयल्ड हो चुके थे तो मैंने ठंडे करने रख दिए थे। मैंने कहा था मैं आटा में बना रही हूँ ना, तब तक ये मैं ठंडा हो जाएगा। और बस आटा भी मेरा हो चुका था और यहीं पर मेरे ना मटर वटर जो मैंने प्याज काटा था इसके लिए, मसाला जो मैंने तैयार किया था, हरी मिर्च वगैरह जो मेरे पास था वो मैंने डाल दिया था, और साथ में मैंने मटर भी डाल दिए थे। और आटा भी मेरा यहाँ सेट करने मैंने रख दिया था। जब तक आटा सेट होता है तब तक मेरा मसाला भी बन जाएगा। बोले दीदी मैं खेलने आऊं आपके रूम में? हाँ बोल रही है। तो यहाँ पे व्यू की मस्ती चालू थी सैलू के साथ में। और मेरा ना आलू वालू सब हो गया था, मसाला मेरा जो मैंने भुना था ना मसाला, तो वो भी मेरा तैयार हो चुका था। फिर मैंने आलू डाल दिया, फिर ऊपर से मैंने नमक मिर्च हल्दी जो मेरे रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, और थोड़ा मैंने आमचूर पाउडर डाला इसमें और थोड़ा सा काला नमक डाला। तो बस यहाँ पे ये मसाला मेरा एकदम रेडी हो चुका है। और साथ में फिर मैंने कहा कि बना देती फटाफट समोसे, तो मैंने यहाँ पे गोली बना के समोसा बनाना चालू किया। इसको मैंने बीच में एक रोटी बनाई, ना मोटी ना पतली, मीडियम भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने रोटी बना के दो टुकड़े किए और बीच में मैंने एक त्रिकोण शेप देना पड़ता है बीच में से कटिंग करने के बाद। फिर पानी ज़रूर लगाना पड़ता है उसमें, पानी नहीं लगाएंगे ना तो वो फट जाता है, तो सारा मसाला जो होता है ना बाहर निकल जाता है। तो पानी से अच्छी तरह कोट कर लेंगे इसमें, और इस तरह से देखो फिर इसमें भरो, जितना आपको भरना है तब भर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे जिसको है। मेरे पास तो आलू कम था, क्योंकि आलू कम था तो फिर मैंने कम ही बॉइल्ड किया था, तो भी मैंने जितना जितना भरना था मैंने उतना ही भरा है इसमें। तो यहाँ पे देखो मेरा समोसा भी तैयार हो चुका है। और इससे पहले भी मैंने ना 8-10 समोसे पहले तल दिए थे, क्योंकि है ना भूख लगी थी सबको, तो मैंने सूट नहीं किया, तो सबको मैंने निक्कू को सिया को सबको भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट वो उनको तल के दे दिए थे। और ये मैं यहाँ पे मैं सूट कर रही हूँ इसको, तो बस ऐसे ही बनाते हैं इसको त्रिकोण शेप में, ट्रायंगल बना के फिर इसमें भर दो जो भी मसाला आप जैसा बनाना चाहते, जैसे आपको मसाला खाना है वैसे आप बना सकते हो। मैंने तो सिंपल बनाया है क्योंकि हम लोग को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, तो भी बहुत टेस्टी बने थे समोसे। और ये आप बड़े बड़े भी बनाए, बड़े बनाने तो बड़े भी बना सकते हैं, छोटे बनाने तो छोटे बना सकते हैं, और मैंने तो दोनों साइज के बनाए थे, तो बहुत अच्छे लगे सबको, बहुत टेस्टी लगे। पर है ना हमारा नाश्ते के साथ ये लंच भी हो चुका था, क्योंकि बनाते बनाते बहुत देर हो गई थी, और ज़्यादा ही इतनी बड़ी फैमिली तो ज़्यादा ही बनेगा ना, तो फिर लंच ब्रेकफास्ट दोनों ही ये हो गया था। ब्रेकफास्ट में चलो बिस्किट वगैरह खा लिया था, टोस्ट वगैरह खा लिया था सबने, तो फिर बाद में यही खाया लंच में, तो सब बहुत हंसी मजाक उड़ रहे थे कहाँ नाश्ता बना था कहाँ ये लंच हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई, कभी कभी ऐसा भी होता है। यहाँ पे देखो मैंने तेल गरम कर दिया था कढ़ाई में और ये डाल दिया था मैंने, और इतने अच्छे बने थे ना ये, सिंपल एकदम ना सब कुछ, मतलब एकदम सब माप का ही डाला था, मतलब ना कम ज़्यादा कुछ नहीं था, सब एकदम इक्वल था, तो सबको बहुत पसंद आ रहे थे। बाहर से जो लाते हैं ना उनमें खाने की मज़ा नहीं आती है। और बस यहाँ पे मैं तले जा रही थी, एक बार मैंने छोटी साइज डाला, एक बार बड़ी साइज डाला, तो 7-8 समोसे हो गए थे, तो मम्मी को भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी जल्दी जल्दी करके मम्मी को दे देती हूँ। और ना इसका जो मैदे का जो आटा गूंथते हैं ना समोसे का, वो बहुत मतलब इस तरह से गूंदना चाहिए कि वो खस्ते हो जाएँ ना कि सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें मोन वगैरह थोड़ा अच्छा डालना पड़ता है। तो मैंने इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डाला था, क्योंकि घर पे खाना था तो सोडा का यूज़ नहीं किया मैंने, ऐसे बना दिया, तो भी बहुत टेस्टी बना थे, बहुत क्रिस्पी बने। इसने कितनी बड़ी रोटी बना दी, छोटू देख भी इधर देखो क्या कर ले आप, समोसा बना रहे हो, बना ले बच्चा, बच हो गया, इतना बड़ा समोसा नहीं हो, इसकी हालत देखो इस लड़की की। हाय बोल दे, हाय गाइस बोल, हाय गाइस, इधर देख के बोल, हाय गाइस, कैसे हो आप, इधर देख, इधर देख, ये देखो व्यू की रोटी, व्यू की रोटी देखो,
ये रोटी बना रही है, अच्छी नहीं बनी? अब क्या, अब क्यों थोड़ी तो हाँ? क्यों थोड़ी है? ये देखो बाप रे, यहाँ पे सूखा आटा भी लगाया जा रहा है। ये देखो ये मैदा गूंद रही, मैदा मैदे की रोटी बना रही। छोटू तूने बनाई कभी ऐसी? नो। और यहीं पे भी वो मेरे साथ बैठ गई थी। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो वो ऐसे बैठ जाती है, मेरे से चकला बेलन मांगती है, बनाती है। और यहीं पे मेरे समोसे भी तल चुके थे। और साथ में मैंने ना उसकी पूरी आती ना, मैदा ज़्यादा गूंद किया था, क्योंकि मैंने बोला था ना पहले कि मेरे पास आलू कम था, तो फिर मैंने उसकी खस्ती पूरी बना दी थी इस तरह से। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी इमली की। लियो दिखाओ, ये तो चटनी भी हमारी पहले से पड़ी थी तो वही यूज़ करी हमने, दूसरी नहीं बनाई। क्योंकि पड़ी होती तो फिर क्यों दूसरी बनानी है, उसको पहले ख़त्म कर दो फिर दूसरी बनाते हैं। तो वही था, तो बस यहाँ पे व्यू भी लगी हुई थी मेरे साथ बनाने पे, फटाफट फटाफट बना रही थी वो भी तो और बच्चों को शौक है ना। बोल पीछे बोलो, पोखरियाल बोल, पोखरियाल की मस्ती खत्म नहीं होती है सारा दिन। देखो ये पोती आई कर रही है, पोखरियाल बोलना नहीं आता तो पोती आल कर रही है। दिखा, दिख नहीं रही अंधेरे में। अच्छे कटाए बाल तन्नो भैया ने, बाल कटाए, हेयर कटिंग कराया, और व्यू ने भी कराया ना नीतू के साथ। निक किसके साथ? नीतू दीदी के साथ। निकू का नाम क्या है? निकू का नाम बोल। होता है बनाने का कि ये बना रहे, हम भी बनाए, हम भी पहले ऐसे ही करते थे जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मेरी मामी वगैरह मामा के घर पे रोटी बनाती थी, कुछ भी बनाती थी तो मैं साथ में बैठ जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जो मैं बनाती थी ना वही मैं खाती थी, तो वो लोग मुझे वही देते थे, तो बहुत मज़ा आती थी। ऐसी व्यू भी ऐसी बहुत मस्ती खो रहे, उसको भी ऐसी बहुत मज़ा आ रही है। तो गाइज हमने सब खाना वाना खा लिया था और थोड़ी मस्ती वस्ती करी थी, फिर मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन साफ़ करने के लिए बहुत तेल तेल हो गया था, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो इसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा हो जाता है। किचन पूरा देखा ही होगा कितना वैसा हो गया था, तो उसको सफाई करने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने पूरा इसको साबुन से धोया, जो मैं बर्तन धोती हूँ ना उसी साबुन से धोया इसको, कुछ ऐसे रगड़ रगड़ के, क्योंकि ऑयल ऑयल वाला अच्छा नहीं लगता। तो भी मैंने कहा एक बार कर ही लेती हूँ साफ, सुबह में तो किया था, फिर मैंने कहा दोबारा कर लेती हूँ, बहुत ऑयल ऑयल हो गया था। और समोसे बनाए थे क्योंकि आटा भी, आटे में भी ऑयल होता है, तलने में भी ऑयल होता है, तो सब चीज़ में ऑयल होता है। फिर थोड़ा देर लगी इसे साफ़ करने में इसका सब बर्तन बर्तन, तो मैं ऐसी धो देती हूँ जब मैं गैस साफ़ करती हूँ ना, यहाँ देखो कितनी चमक गई है ना, तो तभी धो देती हूँ उसको, ताकि दोबारा बैठना ना पड़े धोने के लिए। तो जहाँ पे यहाँ पे दूसरे बर्तन भी पड़े थे, गिलास वगैरह, कांच के गिलास हम बर्तन में नहीं धोते, उनको हम अलग से धोते हैं, क्योंकि टूटने फूटने का डर रहता है, तो वो अलग से हमारा होता है, तो उसको हम यहीं पे धो लेते थे। वो भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी धुल जाएंगे साथ में। तो जो छोटे छोटे दूसरे बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे इसके साथ, कंगने वंगने इसके गैस के, ये सब साफ़ हो चुके थे। और समोसे सच मानिए बहुत ही अच्छे बने थे, सबने खाए, मगर है ना कह रहे थे कि और खान और होते तो और खाते, मतलब। तो क्या होता है कि ना कभी कभी साथ में बैठे रहते तो खाना इतना खाया जाता है ना, चाहे कैसा भी हो, तो पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया कितना खा लिया। और हम वही चीज़ बाहर से लेके आते हैं तो एक से ज़्यादा नहीं खा सकते हम समोसे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन है ना एक से ज़्यादा नहीं खा सकते। और घर की चटनी थी इमली की, पहले बना के रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी यूज़ कर लेते हैं, तो बाद में दूसरी बनाएंगे। ऐसा होता ही रहता है हमारे घर पे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बस यहाँ पे मेरा गैस भी साफ़ हो चुका था, और उसके साथ में मैं जो उसके जो कंगने आते हैं ना स्टील के लोहे के, वो सब मैंने धो के पोंछ के लगा देती हूँ उसको फटाफट, ताकि उसमें निशान ना लगे।
तो इससे गैस साफ भी रहती है एकदम, और अच्छा अच्छा लगता है गैस वगैरह साफ। लोग पहले आते तो पहले किचन ही देखते हैं किचन कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं तो यही देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हो चुका था, फिर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी आ चुकी थी। आज सब्ज़ी क्या, आज सब्ज़ी का भी डे था, तो मैंने कहा सब्ज़ी भी साथ में धो देती हूँ, और बाहर नहीं धोई मैंने सब्ज़ी, यहीं पे धो दी। मैंने कहा चलो लग गया तो यहीं धो देती हूँ। तो सारी सब्ज़ी वॉश करने के बाद, गर्मी भी है ना, तो मैंने कहा बाहर नहीं रखना उसको, तो यहीं पे धो दी मैंने। और थोड़ा बंदर वंदर का भी डर रहता है, बार बार कौन बाहर देखे, उनको बंदर भी आते रहते हैं यहाँ पे, हमारे इधर बहुत आते हैं। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी अच्छी तरह धुल गई थी, क्योंकि पानी आ रहा था, थोड़ा खड़े रहना पड़ता है, इतनी बात है, लेकिन है ना धुल जाती है, साफ़ हो गई थी किचन। फिर मैंने किचन दोबारा से सेट कर दिया था अच्छी तरह। ये बाल्टी भी मैं यहीं पे धो लेती हूँ इसको भी, क्योंकि इसमें भी काई जम जाती है, पानी होता है ना इसका पानी हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे वेस्ट नहीं जाता है पानी इसका, आरओ का पानी। तो सिंक भी साफ रहता है ऐसे। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी सब मैंने सुखाने रखी थी, मैंने कहा इसको एक दिन या रात में सुखाने रख दूँगी, दूसरे दिन फ्रिज में भर दूँगी। और आजकल एक काम और बढ़ जाता है, क्योंकि बोतलें आजकल बहुत भरनी पड़ती है, गर्मी आ गई ना, पानी इतना यूज़ होता है, और अभी बोतल भरी अभी ख़त्म हो गई, पता नहीं चलता फ्रिज में, चाहे कितनी भी बोतलें हों तो गर्म गर्म रह जाती, ठंडी वाली ख़त्म हो जाती है। तो गाइस काम मेरा ख़त्म हो चुका है, और क्या बोलते हैं इसको, सब्ज़ी मेरी वॉश हो चुकी है सब। अभी इसको मैंने ऐसे रखा है, शाम या कल सुबह रखूँगी, क्योंकि पानी आज के दिन तो पूरा निकलेगा पानी इसके अंदर। और बाहर मैंने क्यों नहीं धोई थी, क्योंकि बंदर आके ले जाते हैं सब्ज़ी, तो ना एक दिन ऐसे होता बाहर धो के वॉश करके मैंने रखी थी, और बंदर ना पूरा ही मतलब आलू वालू जितने उनके हाथ में होते लेके भागे, बंदर आते हैं ना यहाँ पे सामने से, पहले से ही बंदर रहते थे, अभी आ जाते हैं कभी कभी, उनका कुछ वो नहीं होता कि कब आएंगे, तो इसलिए मैंने सब्जी अंदर ही धो दी थी आज, और अंदर ही सुखा दी है। और किचन भी मैंने साफ कर चुका है, या देखो हनी आई है, अब स्कूल, अब हनी की भी स्कूल खुल गई है, अभी भी स्कूल जाएगी। और इस वीडियो को करती हूँ एंड। अगर समोसे कैसे लगे हनी? बहुत अच्छे। और आपको भी मेरे समोसे की रेसिपी कैसी लगी हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बोल गुड नाइट, गुड नाइट, चाय देना।